दिल्ली विश्वविद्यालय में अब प्रवेश का माध्यम बदल सकता है, जिससे एलीट वर्ग का वर्चस्व यहां खत्म हो सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा और बोर्ड परिणामों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया पर विचार कर रहा है। हर वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी कोर्सेज में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को 12वीं के अंकों के आधार पर निर्धारित कट ऑफ के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाता रहा है। टीएफआई पर आपका स्वागत है, मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी कि अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो हो सकता है अब भविष्य में आपको 12वीं के अंकों पर निर्भर ना रहना पड़े। कुछ ही दिनों में अब एक बार फिर से एंट्रेंस के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों की लाइन लगी होगी। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन उन्हीं लोगों का होता है जो 99% से ऊपर नंबर लाते हैं, परंतु अब ये सिस्टम बदल सकता है और एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत हो सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CUCET और बोर्ड परिणामों के आधार पर एक प्रवेश प्रक्रिया पर विचार कर रहा है। इस संबंध में एक प्रस्ताव UGC को भेजा गया है। यदि इसे पास किया जाता है तो यह देश के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में से एक के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होगा। आखिर इस नए प्रस्ताव में है क्या? DU ने प्रस्ताव दिया है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश कक्षा 12 के अंक और CUCET दोनों के आधार पर किए जाए, यानी 12वीं के अंक का 50% और CUCET के अंक का 50%। DU के कार्यवाहक कुलपति PC जोशी, जो केंद्र द्वारा विश्वविद्यालयों के लिए एक आम प्रवेश परीक्षा पर विचार करने के लिए गठित समिति में है, उनका कहना है कि केंद्र सरकार CUCET लाने जा रही है, जिसके लिए कई समिति की बैठकें हुई हैं और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। एक बार ऐसा हो जाने पर हम CUCET और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए वेटेज होंगे, जिसमें प्रत्येक के लिए 50% वेटेज होगा। DU में अधिकांश पाठ्यक्रमों के लिए स्नातक प्रवेश 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होते हैं। कॉलेज मुख्य रूप से छात्रों के कक्षा 12वीं बोर्ड के प्रदर्शन के आधार पर कट ऑफ जारी करते हैं। आवेदन अपने सर्वश्रेष्ठ 4 स्कोरिंग विषयों के आधार पर अपने प्रतिशत की गणना करते हैं और अगर वो कट ऑफ को पार करते हैं तो DU के किसी भी कॉलेज में प्रवेश कर सकते हैं। 2020 में जब लेडी श्री राम कॉलेज ने 3 पाठ्यक्रमों के लिए 100% की कट ऑफ घोषित की, सभी कॉलेजों के लगभग 30 पाठ्यक्रमों में 99% से अधिक कट ऑफ गया तो एक नया रिकॉर्ड स्थापित हो गया था। अब ऐसे में किसी बिहार बोर्ड का टॉपर छात्र भी एडमिशन नहीं ले सकता है। हालांकि यहाँ समस्या ये है कि दिल्ली के ही कई एलीट स्कूलों में बड़े बाबुओं के बच्चे पढ़ते हैं जो 12वीं में खूब नंबर लाते हैं, जिसे DU में उनका ही एडमिशन आसानी से हो पाता है। किसी अन्य राज्य से आने वाला छात्र 99% अंक ना लाने की वजह से DU में एडमिशन फॉर्म भी नहीं भर पाता है। अधिकांश छात्रों को DU इसलिए पसंद आता है क्योंकि यहाँ सस्ती शिक्षा के साथ अच्छी शिक्षा मिलती है। केंद्र सरकार कई वर्षों से DU में एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रयासरत थी, लेकिन नौकरशाहों के कारण कभी बात आगे बढ़ी ही नहीं। परंतु अब ऐसा लगता है कि DU में भी एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। हालांकि कई लोगों को लगता है कि सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम ही प्रवेश का सही तरीका है, ना कि 12वीं के अंक, क्योंकि इससे प्रवेश प्रक्रिया में कक्षा 12वीं बोर्ड के अंकों के लगभग 99% वाले अत्याचार को दूर करने में मदद मिलेगी। शोभा बगई, जो पिछले साल डीन एडमिशन थी, उनका विचार था कि कक्षा 12 के अंक को एक मानदंड के रूप से हटा दिया जाना चाहिए और केवल प्रवेश परीक्षा का पालन किया जाना चाहिए। अब यह देखना होगा कि DU प्रशासन क्या फैसला लेता है।